हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ रूम सर्किट बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम रूम में वायरिंग करते हैं और किस प्रकार उससे सर्किट बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ रूम के अंदर दो लैंप है, एक फैन है और एक हमारे पास यहाँ पे है 5 पिन सॉकेट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चार तो स्विच ले लिए, दो हमने लैंप ले लिया और एक हमारे पास है फैन। तो हम उसका कनेक्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार हम सर्किट बोर्ड के अंदर कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो हमारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट होते हैं वो पॉइंट होते हैं हमारे फ्रिज के लिए, और जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं वो पॉइंट होते हैं हमारे उपकरण के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो नीचे वाले पॉइंट है उनमें कनेक्शन करते हैं फ्रिज के लिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं बस बार, यहाँ पे हम बस बार है वो एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं और हम यहाँ पे ले सकते हैं कॉपर की भी। तो हम यहाँ पे कॉपर की बस बार ले लिए। अब हम इसको नीचे वाले पॉइंट के अंदर, नीचे वाले जितने भी पॉइंट है उनके अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इनके स्क्रू सही से टाइट करिए ना, वरना अगर इसको सही से टाइट नहीं करेंगे तो स्पार्किंग होने से हमारे स्विच जल भी सकते हैं। ये मैंने इसके चारों के अंदर फेस के जो पॉइंट है वो कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक तार लेंगे अलग से, वो होंगे हमारे पास एक तार लेंगे, वो हम जो देंगे डायरेक्ट मेन लाइन में, यानी कि जहां से हमारे पास सप्लाई आ रही है उससे हम इसको फेस को कनेक्ट करेंगे। तो हम उसके लिए एक वायर ले लेते हैं, ये हमारे पास एक हो गया फेस का तार, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं जिसके अंदर हमने अभी बस बार लगाई है। ये हमने इसमें फेस का तार कनेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास देखो क्या क्या उपकरण है। हमारे पास यहाँ पे दो लैंप है और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे फैन है। तो फैन हमने यहाँ पे रख लिया है और हमारे पास ये फैन के हो गए दो वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है वो हमारे घर के अंदर सभी न्यूट्रल वायर एक साथ क्या होता है कॉमन होता है। हम उसके लिए कोई भी अलग से स्विच या किसी प्रकार की चीज यूज नहीं लेते, हम उनको क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास फैन का, हमारे पास ये एक तार हो गया न्यूट्रल का, इसको हमने ले लिया। हमारे पास दो लैंप के यहाँ पे न्यूट्रल वायर है तो हमने इनको क्या करा कॉमन कर दिया, तीनों वायर को यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास हो गए उपकरण के लिए, ये कॉमन वायर हो गए हमारे पास उपकरण के लिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 पॉइंट सॉकेट है। फ्रेंड्स, यहाँ 5 पॉइंट सॉकेट के अंदर क्या होता है हमारे पास यहाँ आगे से 5 पॉइंट होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे पास यहाँ पे एक साइड में जो दो पॉइंट है वो आपस में अंदर इंटरनल कनेक्टेड होते हैं आपस के अंदर, और हमें यहाँ पे जो 5 पॉइंट सॉकेट के अंदर जो फेस तार जोड़ते हैं वो हमेशा उसी तरफ जोड़ते हैं जिस तरफ इस 5 पॉइंट सॉकेट का स्विच है। यानी कि हमारे पास इस तरफ इसका स्विच है तो हम इसका फेस तार किस तरफ जोड़ेंगे, इस तरफ, यानी हम सॉकेट के अंदर इस तरफ जोड़ेंगे हम यहाँ पे फेस तार। तो हम यहाँ पे एक तार और ले लेते हैं, ये हमारे पास एक तार हो गया, ये हमने इसके अंदर यहाँ पे कर लेंगे हम इसका। फेज तार हमने यहाँ पे इसके कनेक्ट कर दिया है और इसका कनेक्शन हम जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इस पॉइंट का जहां फेज तार कनेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा किस तरफ होगा स्विच की तरफ। तो स्विच की तरफ हो गया तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया स्विच का फेज। यहाँ पे हमने देख लिया अभी कि जैसे बस बार डाला, हमने यहाँ पे बस बार डाली तो यहाँ से जब इसका फेज आएगा तो फेज इस स्विच में आ रहा है तो मतलब जब ऑन करेंगे तो ऊपर फेज आएगा तो ऊपर फेज आएगा तो हमारे को सॉकेट का जो फेज है वो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया हमारे पास सॉकेट का फेज, फेज ह
बचा हमारे पास एक पॉइंट, वो पॉइंट हो गया हमारे पास अर्थ उसके न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल के लिए हो गया। तो हम इसमें एक वायर न्यूट्रल का और कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे ब्लैक वायर नहीं है, ब्लू वायर है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल के लिए ब्लू वायर ही कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे फ्रेंड्स आपको पता ही होगा थ्री फेज के अकॉर्डिंग, आर वाई बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड ब्लू और येलो कलर के जो वायर होते हैं वो होते हैं हमारे पास फेज के। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसके लिए कर लिया न्यूट्रल के लिए कनेक्ट। अब इसको कनेक्ट जो हमने पहले लैंप के लिए और फैन के लिए जो न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर रहे थे उसी के अंदर मैं इस फाइव पिन सॉकेट का भी कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल के कनेक्शन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो लैंप और हमारे पास फैन है उनका कनेक्शन हमारे को कैसे करना है, क्योंकि हमने फाइव पिन का, फाइव पिन सॉकेट का तो कनेक्शन एक स्विच कर दिया, बाकी हमारे पास बचे यहाँ पे तीन पॉइंट। अब इन तीन पॉइंट का कनेक्शन करना है हमारे को लैंप से और फैन से। तो हमारे पास ये दो लैंप के तार हो गए, एक एक लैंप के तार एक एक स्विच से हम कनेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला एक लैंप का वायर ले लिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक स्विच से। यहाँ पे नीचे हमारे पास फेज आ रहा है, दूसरा दूसरा हमारे पास हो गया ये लैंप का दूसरा वायर, इसको भी हम कर देंगे दूसरे स्विच से। ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए, वो हो गए लैंप के, इन दोनों लैंप के हमारे पास ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा हमारे पास एक तार और बचता है, ये हो गया हमारे पास फैन का वायर, इस फैन के वायर को भी हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे लैंप, दोनों लैंप के कनेक्शन और एक फैन का कनेक्शन, और यहाँ पे चौथा पॉइंट है वो हो गया हमारे पास किसका, सॉकेट का, फाइव पिन सॉकेट का। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप फाइव पिन सॉकेट के अंदर ये तीसरा ऊपर जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट होता है हमारे पास अर्थिंग का। यहाँ पे हम अर्थिंग का वायर जोड़ते हैं अगर हमारे घर के अंदर अर्थिंग कराई हुई है तो। अगर हमारे पास अभी मेरे घर में यहाँ पे अर्थिंग कराई हुई नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे अर्थिंग वायर कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पे
जो 5-pin सॉकेट के अंदर जो ऊपर वाला पॉइंट होता है अर्थिंग पॉइंट होता है वो हमेशा मोटा क्यों होता है। फ्रेंड्स जल्दी मैं इसकी भी वीडियो आके लेके आऊंगा आपके लिए कि 5-pin सॉकेट के अंदर 3-pin सॉकेट के अंदर भी ये अर्थिंग पॉइंट इतना मोटा क्यों होता है। फ्रेंड्स आप देख लेते हैं इसके ये कनेक्शन हो गए, यहाँ पे हमारे पास फैन के कनेक्शन हो गए, न्यूट्रल के कनेक्शन हो गए और हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन हो गए अर्थिंग के। फ्रेंड्स हमारे पास दो वायर बच रहे हैं, दो वायर कहाँ बच रहे हैं, एक तो हमने यहाँ पे फेस का वायर दिया था, यहाँ पे हमने एक फेस का वायर अलग से निकाला था। फ्रेंड्स वो निकल गया, मैं वापस लगा देता हूँ एक बार। एक वायर हो गया हमारे पास यहाँ पे फेस का जो कि हम मेन सप्लाई में जोड़ेंगे और दूसरा हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल का हो गया जो कि हमने सारे लैंप के फ्रंट के और यहाँ पे 5-pin सॉकेट के कनेक्ट कर रहे थे एक जगह, वो हो गया हमारे पास कॉमन, यहाँ पे हम इसका मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार हम यहाँ पे वापस से देख लेते हैं किस प्रकार हमने यहाँ पे कनेक्शन किए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बस बार जो कनेक्ट की थी, यहाँ पे हमने बस बार कनेक्ट की थी वो नीचे वाले पॉइंट पे की थी, मैंने आपको जैसे बताया कि नीचे वाले पॉइंट पे ही हमारे पास फेस आना चाहिए, तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमने एक वायर निकाल लिया अलग से, ये हमारा वायर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट सप्लाई में और सप्लाई यहाँ पे देखो नीचे वाले बस बार से हर पॉइंट में आ गई है। अब हर एक पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए हमारे उपकरण, उपकरण जैसे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है इससे हमारा कनेक्टेड है फैन, दूसरे हमारे पास यहाँ पे है दूसरा पॉइंट है उससे हमारे पास कनेक्टेड है लैंप और तीसरे पॉइंट से भी हमारे पास कनेक्टेड है अदर लैंप और चौथे पॉइंट से हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड है 5-pin सॉकेट, ये हमारे पास हो गया अर्थिंग वायर। और यहाँ पे हमने देख लिया कि सबके जो हमारे पास लैंप और फैन और यहाँ पे 5-pin सॉकेट है हमने यहाँ पे न्यूट्रल को कॉमन कर लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे जो न्यूट्रल हम कॉमन करेंगे उस न्यूट्रल को टेप करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फ्रेंड्स तो हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर को कर लेते हैं टेपिंग। ये हो गया हमारे पास इसका कनेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स इसको हम अब जोड़ते हैं सप्लाई से और इसके हर एक पॉइंट को चेक करके देखते हैं कि ये वर्क अच्छे से कर रहा है। फ्रेंड्स मैं इसका सर्किट डायग्राम भी आपको बता दूंगा वीडियो के एंड के अंदर। और यहां हमारे पास हो गया ये एक फेज का तार और ये हमारे पास न्यूट्रल का तार और यहां पे ये हो गया अर्थ का तार, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है मैं इसमें इसको कनेक्ट कर लेता हूं। और ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल अर्थिंग वायर, उसको भी मैं इसके अंदर 5-pin पॉइंट के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन इसके हमारे सप्लाई आ चुकी है। फ्रेंड्स अब जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5-pin सॉकेट के जिस तरफ में फेज देना चाहिए, जिस तरफ हमारे पास क्या हो स्विच हो, यहाँ पे हमारे पास स्विच इस साइड है तो हमारा फेज हमारा इस तरफ ही आएगा, तो अब हम देख लेते हैं इसका फेज चेक करके स्विच ऑन करके फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख लीजिए फ्रेंड्स अभी इसके अंदर फेज नहीं आ रहा, यहाँ पे न्यूट्रल में फेज हमारे पास आता ही नहीं है, तो हम स्विच ऑन करके आप देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये स्विच ऑन करने पर यहाँ पे पॉइंट के अंदर यहाँ पे फेज आ गया, ये देखिए फ्रेंड्स मैं स्विच ऑन ऑफ कर दिया, यहाँ पे फेज गया ऑन किया फेज आ गया, ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 5-pin सॉकेट का। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम सेकंड स्विच हमारा जो है वो लैंप से कनेक्टेड है, तो जैसे मैं सेकंड स्विच ऑन करता हूँ यहाँ पे हमारा लैंप ऑन हो गया, मतलब ये सेकंड स्विच हमारा हो गया लैंप का, ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया हमारा लैंप का स्विच। थर्ड पॉइंट जो थर्ड स्विच है हम उसको भी ऑन करके देख लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास अदर दूसरे लैंप का, ठीक है फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया दूसरे लैंप का। और यहाँ पे हमारे पास जो चौथा स्विच है वो हम इसको ऑन करके देख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया फैन का, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये हो गया फैन का स्विच, ठीक है फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गए रूम वायरिंग के कनेक्शन। इस प्रकार हम रूम वायरिंग के कनेक्शन कर सकते हैं इजीली और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको अगर इसमें समझ नहीं आया हो तो मैं आपको इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझा देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं एक बार इसका डायग्राम, इसको मैं साइड में रख देता हूं एक बार, तो ठीक है फ्रेंड्स अब हम इसका देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है हमारे पास वो किस तरीके से। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट हो गए, यहाँ पे जो आगे से लाइन आ रही है वो हमारे पास इस प्रकार आ रही है कि ये हमारा हो गया पीछे फेस और एंड से न्यूट्रल। तो जैसे फ्रेंड्स हमने सबसे पहले देख लेते हैं हम न्यूट्रल का कनेक्शन, जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो इस प्रकार है कि हमने जो भी उपकरण थे हमारे पास हो गए फैन और ये हमारे पास हो गए दो लैंप और ये हमारे पास ये हो गए यहाँ पे 5-pin सॉकेट, तो हमने इनके सबके न्यूट्रल वायर जो न्यूट्रल वायर है वो सबके हमने कर दिए यहाँ पे कॉमन। इस प्रकार कॉमन करें फ्रेंड्स ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ से ये न्यूट्रल जो वायर आ रहा है ये आ गया हमारे पास 5-pin सॉकेट का, यहाँ से हमारे पास फैन का जो न्यूट्रल आ रहा है वही हो गया लैंप का ये हो गया यहाँ से अदर लैंप का ये होगा, तीनों को हमने एक साथ यहाँ पे कॉमन कर दिया है, कॉमन देख लो फ्रेंड्स यहाँ से ये कनेक्ट हो गया यहाँ से ये कनेक्ट हो गया यहाँ से ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गए यहाँ पे सारे लैंप के फैन के और यहाँ पे 5-pin सॉकेट के कॉमन। अदर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमारे पास कोई और उपकरण होता तो उनका भी सब सेम यहाँ पे वही कनेक्शन होता, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमारे पास हो गया न्यूट्रल वायर, फेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फेज, आगे से फेज जब यहाँ पे आया तो हमारे पास यहाँ पे फेज आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि हम सारे स्विच को नीचे वाले पॉइंट में बस बार डाल के और कॉमन कर दिए थे ताकि हमारा फेस एक ही जगह से देने पर हर स्विच के अंदर चला जाए, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर जैसे ही फेस दिया पहले स्विच के अंदर जैसे फेस दिया तो यहाँ पे इसके अंदर भी चला गया आगे इसमें और नेक्स्ट हर एक के अंदर फेस यहाँ पे चला गया। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे स्विच ऑन करने के बाद फेस हमारा फेस उपकरण के अंदर जाना चाहिए, जैसे कि 5-pin सॉकेट में फैन में और लैंप में, तो न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर ही दिया, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे जो स्विच ऑन करेंगे अब जैसे मैंने ये स्विच ऑन किया तो मेरे स्विच ऑन करते हैं यहाँ से हमारा फेस कहीं में गया हमारा फेस गया यहाँ से सीधा 5-pin सॉकेट के अंदर, और जैसे हम सेकंड स्विच ऑन करेंगे यहाँ से हमारा फेन नीचे आ जाएगा ऑन करते सेकंड स्विच से गया यहाँ पे हमारे फैन के अंदर और हमारे पे यहाँ देख लेंगे थर्ड जैसे ऑन किया हमारे पास कहाँ चला गया लैंप के अंदर और यहाँ पे फोर्थ करके ऑन करते यहाँ पे आ गया लैंप के अंदर। ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आज का प्रैक्टिकल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम आपके लिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजें लाते रहेंगे और हम देख लेंगे। फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल है आप वहाँ पे जाके हमारे ज्वाइन कर सकते हो, हम इस सर्किट डायग्राम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमने इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो होगी वो हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे और आप हमारे को कमेंट करके बताएं किस प्रकार का आपको प्रोजेक्ट चाहिए वो हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू।